बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ देगी बीफ यखनी बिरयानी। तो इसके लिए मैंने ले ली हैं आधा किलो हड्डियाँ और आधा किलो गोश्त बीफ का, और एक प्याज उसके चार टुकड़े कर लिए हैं, लहसुन अदरक ले लिया है, ये गोल मिर्चें ले ली हैं, दालचीनी एक बड़ी इलायची और तीन से चार पत्ते, नमक एक चम्मच, आप जायका ले सकते हैं, लौंग और काली मिर्चें, ठीक है। तो पानी इन सब को मैं इसमें ऐड करके कुकर में तो 15 से 20 मिनट वेट लगाऊंगी। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका एक मैं आप तरीका बताऊँ, प्याज हमेशा नीचे रखते हैं, प्याज लहसुन वगैरह, ताकि जो है ये मैं निकाल दूंगी, ठीक है। फिर ये हड्डियाँ रखूंगी, और बाकी का गोश्त डाल देंगे। और इसके ऊपर ये बाकी के सारे मसाला जात, गोल मिर्चें और तेज़पात, लौंग और नमक, काली मिर्चें वगैरह, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये पानी डाल दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। ये देखिए मेरा गोश्त अच्छे से भुन गया, इसमें से प्याज लहसुन मैंने निकाल लिया, गरम मसाला जितना आया ठीक है, बाकी का इस तरह मैंने इसमें से भून लिया, यखनी निकाल ली है, पोने में भून लिया मैंने इसको अच्छे से, ठीक है। तो अब पुलाव की तैयारी शुरू करते हैं। ये मैंने बासमती राइस लेके धो के वॉश कर ली है, आधा किलो ये ली हैं, तो आधा बाकी एक प्याज ली है, उसको ब्रीक ब्रीक काटा, ये मैंने ऑलरेडी फ्रीज किए हुए थे, और हरी मिर्चें भी पीसी हुई हैं 1 से 1.5 चम्मच है, बाकी फिर नमक और काली मिर्च किस तरह होगा मैं साथ साथ डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं अब वही प्याज डाल दूंगी। और इसको ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन प्याज को। ये देखिए प्याज मेरा अच्छे से ब्राउन हो रहा है, तो जब तक प्याज ब्राउन होता है साथ में आपको बताती हूँ इसके अंदर मैं क्या क्या ऐड करूँगी। ये हरी मिर्चें डालूँगी पिसी हुई, और जीरा 1 चम्मच, आधी चम्मच हरी मिर्च काली मिर्चें, और आधी चम्मच लाल मिर्च, नमक मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक है, अपनी टेस्ट के मुताबिक पसंद से आप डाल सकते हैं। तो ये प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है आज, तो इसमें अब मैं हरी मिर्चें डालूंगी। इनको भी साथ थोड़ा सा ब्राउन मसाले को भूने के, मैं भी दिखाती हूँ आपके साथ साथ। ये भी और अच्छे से भुनेगा। ये देखें ये भुन गया, कलर इसका चेंज हो गया है, तो अब इसमें मैं जीरा काली मिर्च और ये डाल दूंगी। 1 मिनट इसको ज़रा करेंगे। हाफ से 1 मिनट हो गया मुझे इसको भूनते हुए, तो देखें कितना अच्छा गोल्डन हो गया, जला हुआ नहीं है। तो ये मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। अब इसको भूनेंगे पहले, ये मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से, मैं थोड़ी सी मिर्ची और डाली है, आप भी अपना टेस्ट कर सकते हैं कैसा फील हो रहा है। तो इसमें साथ में थोड़ी सी इसमें यखनी ऐड कर दूँगी, वही यखनी है जो इसमें निकली है,
और इसे भूनेंगे जरा अच्छे से। ये लग रहा था नीचे तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा भूनूं, डालूं पानी। अब इसको मैंने भूनते दोबारा से पानी कुछ हो गया था, दोबारा ऐड किया, इसको अच्छे से भूनूंगी मैं। आप इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अब इसको मैं मज़ीद भूनूंगी, देखेंगे अच्छे से भून रहा है। आप देखें इसका कलर और चीज़ें कितने ज़बरदस्त हो गए हैं भूनने से। मैंने 15 मिनट के करीब तकरीबन उसको भूना। उन जब लग रहा हो तो यखनी डाल दें, पानी डाल दें, कुछ भी डाल दें। मैंने यखनी डाली है, उसका अपना मज़ा है। आप लोग इस रेसिपी से ट्राई भी कीजिएगा। थोड़ा सा मैं और 2-3 मिनट और करूँगी। हाँ, सुबह मामूल मेरी कैटो आ गई है, मैं खाना बना रही थी तो ये खाना लंच कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी उम्मीदवार हैं कि मुझे कुछ और मिल जाए। ये माशाल्लाह से देख लें कलर इसका अच्छे से भून चुका है, तो अब मैं इसमें यह और पानी जितना है हिसाब के मुताबिक अपने डाल दूँगी। ये यखनी अच्छी है और ये पानी, तो इसे बॉईल करते हैं। यखनी ये देख लें मेरी बॉईल हो रही है और मैंने इसका नमक मिर्च टेस्ट कर लिया है तो मेरे हिसाब से ठीक है। तो अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने ऐड कर दिए इसमें और ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे और इसको ढक देंगे, आधा ढक्कन देंगे आधा रख छोड़ देंगे और इसको मीडियम आग पे पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से पक रहा है और चम्मच इसमें ज़्यादा नहीं हिलानी और राइस की भी पोजीशन देखें आप, मीडियम फ्लेम पे ये पक रहा है। ना आपको एक टिप बताती हूँ चावलों में, अपनी जो नई व्यूवर्स हैं जो कुकिंग करने लगी हैं, आप हमेशा चावल के ये साइड से लेके इसको चम्मच को नीचे से ऐसे उठाएं, चावल कभी भी नहीं टूटेगा, ठीक है। और ज़्यादा चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें बना रहे से ऐसे, ठीक है, ऐसे ये परफेक्ट टिप है, मैंने अपनी मदद से सीखी थी। ये देखें ये हो चुके हैं माशाल्लाह से, ठीक है। और अब इसको मैं दम लगा दूंगी। इसको दम लगाएंगे 10 मिनट, 10 से 12 मिनट। कुल ये देखें लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट। ये माशाल्लाह 10 से 12 मिनट हो गए हैं, अब देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें माशाल्लाह से चावल खिला खिला है, तो मैं अभी से डिश आउट करती हूँ आप सबके लिए। तो ये व्यूअर्स मैंने डिश आउट कर दिया है, आई होप यू लाइक इट। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।